Okay, I think it has started. Hello everyone, how are you? Good evening people. Super crash course. We are almost coming to the end of this series, people. How was this series? Is this series being helpful for you? Determinants topic is the today's agenda. Score maximum marks, that is all the 4, 5, 6 marker question from your previous year question papers, board papers, we are going to cover today. हाय श्रीलता, हाउ आर यू? हाय दया भागवत. श्रीलता, आपको गिफ्ट मिल गया कि नहीं यार? हैव यू रिसीव्ड? नहीं, आई थिंक इट्स ऑन द वे. नहीं मिला, ठीक है, ऑन द वे है. वंस यू गेट इट ना, मेक श्योर दैट यू एटलीस्ट शेयर अ फोटो और अ वीडियो समथिंग विथ मी, ठीक है? एंड आई वुड लाइक टू सी, आई वुड लाइक टू नो योर रिएक्शन ऑन दैट. ओके, so today's topic is about determinants and super crash course series is going to end people soon. So I believe ki ye wale okay, I'll share the entire schedule with you in just another 2 minutes. Before that, the last time's homework question was you had to find the value of x plus y and the right answer had turned out to be 5, option number B, by equating the matrices. Hai na, matrix equation se aapko milta tha ye answer. So what you have to do kids is you have to solve the homework question and answer in the comment section. तो हम लोग उसको next time display भी कर सकते हैं, ठीक है? Hi Mukul Kumar Arti, hi Chemistry with Raghav, hello. And students, we also have a Telegram group wherein you will get all the notifications about the upcoming interesting sessions. As I said, अब सिर्फ regular पढ़ाई नहीं होगी, अब बहुत कुछ होने वाला है पढ़ाई के साथ साथ. So a lot of interesting sessions coming up. किसी को पता है कल क्या होने वाला है? कल at 5:30 PM. Tomorrow at 5:30 PM there is a super amazing session for you. Anybody knows? Oy hoy. नहीं पता, नहीं पता. Oh, मजा आने वाला. Yes, मजा आने वाला. There's going to be a session on girls versus boys. So you guys have to participate क्योंकि यार it's about girls versus boys. यानी कि me and Sakshi ma'am on one side and Amrit sir and Nikhil sir on the other side. तो एक तगड़ा सा game. It will be lots of games and fun session. So do come at 5:30 tomorrow. ठीक है? Yes, I will rock as usual. Yo, I will rock. ठीक है? Definitely not let you people down. और as I say यार, मस्ती करना है, मस्ती तो मेरा ही फोटे है ना, मेरा ही है वो girl power completely. यहाँ पे भी girl versus boys कुछ हो रहा है क्या यार? यहाँ पे भी हो रहा है क्या? Girl power. Okay, let's rock this session. Yes, and then Friday को वो है, Saturday को क्या है? Saturday को I am going to take this session on 12th maths board preparation and strategy from Feb to May. मई में इज योर बोर्ड एग्जाम्स. मैथ्स का पेपर तो है एक्चुअली आपका 1 जून को. सो फेब से लेकर मई तक कैसे प्रेपरेशन करना है इसका स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे. हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो. अगर आप जीरो पे नहीं भी हो, आप थोड़े ऊपर भी हो, स्टिल यू कैन अटेंड. यू विल गेट सम टिप्स एंड ट्रिक्स एंड जस्ट डोंट लिसन टू द टिप्स एंड ट्रिक्स. ट्राई टू अप्लाई देम. थोड़ा 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 कर लीजिए, शायद आपको फायदा जरूर होगा. सो व्हेन इज इट? इट्स ऑन सैटरडे 6th Feb at 4 PM. यानी कि परसों. कब है ये? परसों है, परसों. ठीक है, तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो देन ओनली विल कम टू नो कि व्हाट ऑल थिंग्स आर गोइंग ऑन. ओ राधिका, दिस सेशन आर रियली हेल्पफुल. इट विल बी अ वेरी शॉर्ट सेशन. देख लीजिए, आपको टाइम मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो बाद में देख लेना, नो प्रॉब्लम. यू कैन वॉच इट एट अ स्पीड ऑफ 1.5. मतलब आप स्पीड जाकर, प्लेबैक स्पीड है ना, नॉर्मल स्पीड वो चेंज कर सकते हो, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो. सो इट्स ऑल अप टू यू, राइट? एंड ऑल्सो 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 साक्षी मैम का सेशन है 6th Feb को 8 बजे. इट्स अ गिव अवे. यू विल गेट सम गिफ्ट इफ यू विन द सेशन. इट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फुल सिलेबस का महामैराथन. सो यस, सैटरडे को बहुत कुछ है ये वीक में, अगले वीक में भी बहुत कुछ है, प्रॉमिस है, प्रॉमिस. अगले वीक में भी लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग अप. सो मैट्राइजेस वी ऑलरेडी डिड इन द लास्ट सेशन. आज डिटर्मिनेंट्स, कल के बल्ले बल्ले हो जाएगा, ओए ओए हो जाएगा, शावा शावा हो जाएगा. ठीक है, ये है कंप्लीट वीक्स शेड्यूल. सो टूडे इज ऑलरेडी 4th, तो आज तो ये हो ही जा रहा है बच्चा. फिर अब ये देख लो, कल परसों का शेड्यूल है. कल फिजिक्स और बायोलॉजी 12 और 5:30 बजे एंड डे आफ्टर यू हैव केमिस्ट्री एट 2 o'clock. मेरा सेशन तो मैंने बता ही दिया है क्या है. ओके पीपल, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड
सब्सक्राइब टू द चैनल इमीडिएटली, ये लो मैंने भी लाइक कर दिया अपने तरफ से, और तुम भी लाइक कर दो जल्दी से। हियर इज माय ईमेल आईडी आल्सो प्रोवाइडेड, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन दिस ईमेल आईडी। ठीक है, मेरे को कल कुछ बच्चों का मेल्स आया तो मैंने वो अब तक देखे नहीं है, सो इन केस यू हैवंट गॉट एनी रिप्लाई फ्रॉम मी, वेट कर लो, मैम करेगी आपको रिप्लाई मे बी ये वीकेंड तक। ठीक है, तो इस वीक में थोड़ा सा बिजी हूँ, तो संडे को थोड़ा सा फुर्सत निकाल के या फिर मंडे तक तो पक्का आपको रिप्लाई आ ही जाएगा, सो डू नॉट वरी। हाय साई, हैव यू, यस साई, आप 11th स्टैंडर्ड में हो कि 12th स्टैंडर्ड में? ओके, एंड स्टूडेंट्स हियर इज द डिस्ट्रीब्यूशन, द एनालिसिस ऑफ दिस चैप्टर डिटरमिनेंट। सो माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड एडजॉइंट पे 3 क्वेश्चंस आ चुके हैं 1 मार्क के, या 2 क्वेश्चंस आए 1 मार्क्स के। तो बेसिकली माइनर कोफैक्टर पे 1 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ऐसा आप बोल सकते हो, 2020 में आया है। हाय साई सिंह, सुनिधि, कैसे हो आप लोग बच्चों? बढ़िया बढ़िया, सब चल रहा है एकदम, है ना? ऑल कूल कूल, चिल चिल। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स व्हिच हैज बीन रिमूव, तो टेंशन ही नहीं लेना है, बट आपको मैंने डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया इसीलिए, बिकॉज आप देख सकते हैं 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, 4 मार्क्स प्रॉपर्टीज पे एक्चुअली क्वेश्चन आया करते थे, एक्चुअल क्वेश्चन आते हैं प्रॉपर्टीज से, बट प्रॉपर्टीज ही निकाल दिया है बच्चों। सो मेजॉरिटी पार्ट तो चैप्टर का चला गया, चैप्टर में हार्डली कुछ बचा है। एंड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस पे, अब जो अगर आपको आएगा भी ना 6 मार्क क्वेश्चन, तो डेफिनेटली या तो वो इनवर्स पे आएगा 4 मार्क क्वेश्चन, या फिर सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पे आएगा 6 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, यही 2 पॉसिबिलिटी है इस टॉपिक से। व्हाट इज द वेटेज? मिनिमम इज 7, मैक्सिमम इज 13। सो 7 to 13 मार्क्स, बहुत बड़ा डिफरेंस है, एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इजी एंड इम्पॉर्टेंट, राइट? इट इज इजी, सुपर डुपर इजी, क्योंकि सॉल्विंग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज नॉट डिफिकल्ट इफ यू नो ए इनवर्स। तो कॉन्सेप्ट एक ही सीखना है बच्चों, ए इनवर्स निकालने सीखना है बस हमने इस चैप्टर में। तो क्विकली मैं आपको थ्योरी रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, क्या ये देखने की जरूरत है सच में? क्या आपको आता है एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑलरेडी? माइनस कोफैक्टर्स, एडजॉइंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल, प्रॉपर्टीज विच इज नॉट देयर, एंड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल नो द एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, 2 एंड 3? ये 3 ही ऑर्डर के पढ़ते हैं, 4th ऑर्डर तो हमारे सिलेबस में है नहीं, इट्स आउट ऑफ स्कोप। ऑर्डर 1 तो बहुत सिंपल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इज 3। ऑर्डर 2, सपोज इट्स 1, 3, 6, 9, ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते? क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × 9 − 3 × 6, 9 − 18 − 9। हाय तेजस्वर, तेजेश्वर। और ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट आता है क्या बॉस? सबको सबको सबको, 1, 6, 2, 4, 2, 1, 9, 8, 3। ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन, से यस और नो पीपल। अगर आपको सबको आता है एक्सपेंशन, तो व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम इन एक्सप्लेनिंग द एक्सपेंशन? एक्सपेंशन कैन हैपन इन हाउ मेनी वेज? आप ये 3 by 3 ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट को कितने वेज से एक्सपेंड कर सकते हो? अच्छा चलो इतना बताओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने वेज से आप एक्सपेंड कर सकते हो उसको? कितने तरीके हैं आपके पास? कैन यू टेल मी पीपल क्विकली, जल्दी, इन हाउ मेनी वेज कैन यू एक्सपैंड दिस गिवन डिटर्मिनेंट? ओके, श्रीलता सिंह, मैं उसको आता है एक्सपेंशन, ठीक है। एनी बॉडी, बॉडी बॉडी, एनी बॉडी, देर आर टोटल 6 वेज टू एक्सपैंड दिस गिवन डिटर्मिनेंट। 3 रोज, रो 1 के अलॉन्ग, रो 2 के अलॉन्ग, रो 3 के अलॉन्ग, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, 6 बेटा, नॉट 9 बट 6, ठीक है? 3 रोज या 3 कॉलम्स के अलॉन्ग आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है? ये तो मैंने तरीके बताए, बट आई होप कि आपको एक्सपेंशन आता भी है, है ना? हाँ ना, नहीं, देखते हैं, क्वेश्चंस करते हुए देख ही लेंगे। यस, परफेक्टम, डोंट टेल पीपल योर प्लान, शो देम योर रिजल्ट्स। डू यू बिलीव इन दिस? डोंट टेल पीपल तुम्हारे दिमाग में क्या है, बट वो करके दिखाओ, जो है ना वो करके दिखाओ।
because maybe if you say, and you say it to the wrong people, I'm not saying everybody, but if you say it to the wrong people, they will try to pull you down. They will say ki yaar ye to nahi hone wala, ye to ho nahi sakta, yaar tu to khayali baatein dekh rahi hai, dur ki baat hai, bade bade sapne mat dekh, tere aukaat ye nahi, ye wo phalana phalana, lot of things can come. So always make sure that you talk to people, but to the right people. And if you are not sure ki ye bhai right hai ki wrong hai, to better show them the results, show your hard work, so that let everybody see your results. Best people are your parents, guys. Parents and teachers, always you can trust them. Parents and teachers, ठीक है? Then you have to be very choosy about your friends. यार friends को सोच समझ के बताना. कुछ friends आपके मजे लेंगे, maybe आपसे jealousy होके आपके साथ उल्टा व्यवहार करेंगे. You know, they'll try to pull you down, put you down every time. Some friends will help you. So it is very dependent at your tender age. ठीक है? Let's quickly see the theory and then we will look at the questions. ठीक है? तो ज़्यादा questions नहीं करेंगे हम, because I don't want to like बहुत ज़्यादा लंबा session खींच लिया कि बच्चे भी मतलब परेशान हुए. मैम अब बस करो आज के दिन, अब हमसे इससे ज़्यादा maths नहीं हो पाएगा. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. तो ठीक है, थोड़े थोड़े questions करेंगे हम हर session में. Important is trying to cover all types of questions जो question paper में आते हैं. That will be my aim. So determinant is a representation of numbers that has a particular value. Determinant के कुछ value होती है, matrix की कुछ value होती है क्या बच्चों? Does matrix has any value? Yes or no? The vertical arrangement are called as columns, the horizontal arrangement are called as rows, and the thing which is there inside rows and columns, these are called as elements. Bolo. Determinants ki kuch fixed value hoti hai, matrix ki kuch fixed value hoti hai, yes or no people? You just have to type me yes or no in the chat section. Does any given matrix has a defined value or not? Yes or no? Okay, yes, that is best. If you don't know, you can write I don't know, IDK. Man ko itni bahut thodi bahut to slang language aati hai. IDK matlab I don't know, IDC matlab I don't care, TBH matlab to be honest. ऐसे सब होता है ना, और क्या क्या होता है जो भी होता है तुम लोगों का. ओके, द आंसर इज नो, मैट्रिक्स डू नॉट हैव एनी वैल्यू. देयर इज ऑलवेज अ नंबर एसोसिएटेड विद अ डिटरमिनेंट, बट विद अ मैट्रिक्स देयर इज नेवर अ नंबर एसोसिएटेड. इट डज नॉट हैव एनी वैल्यू इन पर्टिकुलर. ठीक है, गुड गुड श्रीलता. सो देन कमिंग आउट टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ determinants in finding out the area of triangle. Area of triangle is given by 1 by 2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1. और ये आप देख सकते हैं, it is all put under a mod. ये determinant को हमने mod के अंदर डाल दिया बच्चों. Hi Priyanshu Pandey, why mod? Because area is always going to be positive, so we will take always a positive value of area. Hence the modulus sign. The vertices are x1 y1 x2 y2 and x3 y3. Next, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं? तो ये मैंने मैट्रिक्स चैप्टर में भी बताया था, ये डिटरमिनेंट्स का भी पार्ट है. सो इट्स लाइक दोनों जगह ही आता है ना. सो इफ आई गेट ए बी एज आइडेंटिटी, इफ यू हैव नॉट चेक द मैट्रिक्स वाला सुपर क्रैश कोर्स सेशन, देन डू चेक आउट दैट सेशन ऑल्सो आफ्टर दिस, क्योंकि उसमें मैंने थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया. इफ ए इंटू बी इज आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम क्या बोलेंगे? ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. ए एंड बी क्या है? इनवर्स ऑफ ईच अदर. ठीक है, सो दैट इज ए बी या फिर बी ए, दोनों आई होगा. दैट इज ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, और बी इज बी इनवर्स इज इक्वल टू ए, दोनों ट्रू होता है इस केस में. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए इनवर्स माय पीपल? द फॉर्मूला फॉर ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. What is the formula? 1 upon determinant A into adjoint of A. Yes. तो ये formula के help से हम लोग A inverse find करने वाले हैं. Now what is adjoint of a matrix? What is adjoint of a matrix? Let me tell you that first. So if you have any given matrix, ठीक है, कोई भी एक matrix दिया है A. तो सबसे पहले उसका माइनर्स निकालते हैं बच्चों हम लोग, m11, m12 एंड सो ऑन. यू कैलकुलेट द माइनर्स, देन यू कैलकुलेट द कोफैक्टर्स.
कोफैक्टर्स कैसे निकालते, कोफैक्टर इज गिवन बाय द फॉर्मूला -1 raised to i + j इंटू एम आई जे, वेर एम आई जे इज योर माइनर। तो कोफैक्टर को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कोफैक्टर इज गोइंग टू बी इक्वल टू सेम एज माइनर इफ योर आई प्लस जे इज इवन, एंड योर कोफैक्टर इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ माइनर इफ योर आई प्लस जे इज ऑड, है ना। ये ऑड पोजीशन है कि इवन पोजीशन है उस पर डिपेंड करेगा कोफैक्टर एंड माइनर आर इक्वल और डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल एम वन वन, योर आई प्लस जे क्या है, 1 + 1 = 2, यानी कि इट्स इवन, राइट। सो इन सच अ केस कोफैक्टर विल बी इक्वल टू योर एम आई जे। कोफैक्टर इज जनरली रिटन एज सी आई जे और ए आई जे, ठीक है। और माइनर निकालने तो सबको आता ही होगा मेरे ख्याल से, यू हैव टू डिलीट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगर एम वन वन निकालना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है और फिर रिमेनिंग को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 2 8 = 16 -6 = 24, दैट्स 8 -8, और ये इवन है, राइट। 1 + 1 इज इवन, सो आई एम राइटिंग इट एज -8, ठीक है। एम वन टू है तो यू हैव टू हाइड फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम एंड देन टेक द रिमेनिंग क्रॉस मल्टीप्लाई। दैट्स हाउ वी फाइंड द माइनस एंड कोफैक्टर्स। Now you will get a cofactor matrix. इससे आपको मिलेगा cofactor matrix. And adjoint is nothing but transpose of your cofactor. जब आप cofactor matrix का transpose कर लोगे, you will get your adjoint matrix. Adjoint मिल गया तो inverse मिल जाएगा. Inverse is 1/dit A into adjoint of A people. ठीक है, that's how we get the adjoint. Now adjoint of a order 2 matrix is very simple. Adjoint of order 2 matrix. For example, if you have a matrix, say B is equal to 2 6 3 - 4. इसका सबको आता है डायरेक्ट, अगर मुझे इसका adjoint निकालना बच्चों। For a order 2, direct adjoint can be calculated. How? Interchange the diagonal elements. क्या किया मैंने? Interchange the diagonal elements and change the sign of diagonal elements. Change the sign of diagonal elements. So मैंने खाली diagonal elements को swap कर दिया, of diagonal के sign को change कर दिया, and that's your adjoint B for a 2x2 matrix, है ना। order 2 matrix का direct adjoint आ सकता है, order 3 का direct नहीं आता बच्चों। आपको उसके लिए cofactor matrix लिखना पड़ेगा, फिर उसका एडजॉइंट मिलेगा आपको बाय टेकिंग इट्स ट्रांसपोज, ठीक है। एग्जैक्टली, सो वेरी सिंपल एंड इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक, वन हैज टू बी रियली केयरफुल। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सपोज यू हैव इक्वेशंस लाइक दिस, a1x + b1y + c1z = d, a2x + b2y + c2z = ये d1 है, ये d2 है, एंड a3x + b3y + c3z = d3। इफ यू हैव दिस थ्री इक्वेशंस, तो द अबाउ इक्वेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैट्रिक्स फॉर्मेट समथिंग लाइक दिस, है ना। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, x y z d1 d2 and d3। नाउ वॉट इज दिस, ये जो पहला मैट्रिक्स है इसको हम बोलते हैं, इसका कुछ नाम है, इसका कुछ नाम है, इसका कुछ नाम है। क्या आप लोगों को पता है नाम क्या है इसका? चलो बताओ जल्दी से, ये फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का नाम क्या है? इट इज कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। व्हाई? बिकॉज इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड, इट इज कॉल्ड एज द वेरिएबल मैट्रिक्स। एंड d1 d2 d3 इज कॉल्ड एज द कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स, है ना। तो कोई भी मैट्रिक्स को आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। लेट मी कॉल द फर्स्ट वन एज ए, दिस एज एक्स, एंड द लास्ट वन एज बी। तो मतलब एनीथिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ax इज इक्वल टू बी फॉर्मेट। परफेक्ट राजा, यस, ax इज इक्वल टू बी के फॉर्मेट में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई भी लीनियर इक्वेशन। यहां पे मैंने 3 लिया है, ये 2 भी होता है, 2 के फॉर्म में, जस्ट x एंड y। So if I want to find the value of this variables, ultimately solving का मतलब क्या होता है यार? Solving means finding the value of x, y, z.
तो एक्स क्या होगा, एक्स इज ए इनवर्स इनटू बी, इन अदर वर्ड्स इट्स वन अपॉन डिट ए एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, ठीक है, दिस इज योर एक्स। हां जी बिल्कुल सही, तो इस फॉर्मूला से ये दोनों, ये वाला यूज कर लो, ये वाला यूज कर लो, इट्स वन एंड द सेम, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल्स। तो चलो ये जो जो हमने फंडा सिखा ना इसको अप्लाई करेंगे बच्चों। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर JEE। JEE का क्रैश कोर्स JEE आके बैठ चुका है अपने सर पे ऑलमोस्ट, अब ज्यादा दिन नहीं बचे, 20 दिन हार्डली, नॉट इवन 20 डेज यार, 15 डेज पकड़ लो, 15 डेज इज लेफ्ट रफली फॉर योर JEE का फर्स्ट अटेम्प्ट। बट देर आर मेनी अदर अटेम्प्ट, सो नॉट जस्ट फेब का अटेम्प्ट चला भी गया गंदा, कोई बात नहीं यार, फेब्रवरी के बाद मार्च है, अप्रैल है, मई है, तीन अटेम्प्ट आपको और है। अगर आप मे का भी अटेम्प्ट सीरियसली वाला टारगेट करते हो गाइज, यू हैव 3 months, एंड बाय दैट 3 months ऑफ प्रेपरेशन अ लॉट कैन हैपन। फॉर एग्जाम्पल नाउ वी आर जस्ट, वी हैव एंटर्ड फेब और अपना बोर्ड एग्जाम है मे में, तो फेब्रुवरी मार्च अप्रैल बीच में ये 3 महीने अपने पास कंप्लीट 3 months है। इफ यू टारगेट के चलो मेरे को फेब मार्च जेई पे फोकस करना है, अप्रैल मई में हम बोर्ड एग्जाम कर लेंगे, यू हैव सीन द डेट शीट यार, मे का मे में कितने स्प्रेड आउट है यार एग्जाम्स, आपका 13 days का गैप मिल रहा है आपको फिजिक्स पेपर के लिए, इतना 13 days का गैप मिल रहा है ना आपको फिजिक्स पेपर के लिए, मतलब सारे एक एक दिन में एक एक चैप्टर रिवाइज कर लो वैसा वाला सीन है यार। ऐसा तो है नहीं आपने साल भर यू हैव नॉट डन एनीथिंग, यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर योर JEE इन फेब एंड मार्च। हाँ आप फेब और मार्च में ऑलरेडी यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर JEE, सो दैट मींस आपका बोर्ड तो कवर हो ही रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि JEE प्रिपरेशन इज समथिंग डिफरेंट देन द बोर्ड्स, इट्स मच हायर देन द बोर्ड्स, बट वेन यू डू JEE योर बोर्ड इज वेरी वेल टेकन केयर। तो आपको 13 डेज फिजिक्स के लिए, मैथ्स के लिए भी काफी दिन है, इफ यू डोंट हैव बायोलॉजी तो फिर तो बहुत लंबा गैप है बिटवीन केमिस्ट्री एंड मैथ्स, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड मैथ्स, तो मैथ्स इज ऑन 1st of June, सो इफ यू डोंट हैव बायो यू हैव अ वेरी बिग गैप, और केमिस्ट्री के लिए भी अच्छा खासा, सो यू हैव लॉट ऑफ डेज इन बिटवीन, वन कैन ईजिली प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जाम्स इन द मंथ ऑफ जस्ट अप्रैल एंड मई। बट अगर आपने ये 2 महीने सिर्फ JEE पे फोकस कर दिया ना, दिन रात मचा दिया एकदम से, तो यार बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत सारी बच्चों की तकदीरें बदल सकती है, यू जस्ट नीड दैट एक्स्ट्रा पुश इन द लास्ट मोमेंट, ये लास्ट मोमेंट पे जो थोड़ी धक्के की जरूरत होती है बस उसकी जरूरत है, और यही आपको क्रैश कोर्स प्रोवाइड करता है बच्चों। यू विल गेट ऑल द क्वेश्चंस बिल्कुल से एग्जाम वाले एनवायरमेंट में विद द टाइमर, कि कैसे 2 मिनट में हर क्वेश्चन को टैकल किया जाए, क्या शॉर्टकट टिप्स है ट्रिक्स है, यू विल गेट द बेस्ट ऑफ टीचर्स हु हैव बीन प्रोड्यूसिंग द बेस्ट ऑफ ऑल इंडिया रैंक्स year after year। अगर आप वेदांतु का खाली रिजल्ट जाकर देखोगे तो इट्स माइंड बॉगलिंग, नो अदर ऑनलाइन क्लास हैज प्रोड्यूस सच अ रिजल्ट, एंड द बैचेस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, ये कब बंद हो जाएगा पता नहीं, बिकॉज द बैचेस आर फिलिंग वेरी वेरी फास्ट। यू कैन गेट द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एज बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, सो बी इन योर ओन कम्फर्ट जोन एंड स्टिल स्टडी, द लर्निंग शुड नॉट स्टॉप, दैट्स द एजेंडा ऑफ वेदांतु। 1.5 आवर्स के सेशंस होंगे मंडे टू सैटरडे, आप पढ़ाई करोगे, असाइनमेंट्स हर सेशन के बाद असाइनमेंट सॉल्व करोगे, बहुत सारे डाउट्स आपको आएंगे, तो डाउट सॉल्विंग देख लो यार, द बेस्टेस्ट, सुबह से लेकर रात तक 8 से लेकर 11 बजे तक डाउट सॉल्विंग तुरंत के तुरंत होने वाले हैं आपके। यू हैव पार्ट टाइम एंड फुल टाइम टेस्ट ऑन एवरी संडे, वेरियन यू विल गेट ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट, and recorded sessions will also be available in case you are missing out any of the sessions, and all this is available just at a very mere price yaar, PCM, teen subjects aapko 8000 rupees mein mil rahe, so you are hardly paying like 2600 per subject, 2700 per subject, if I say roughly 600-700 hai na, itna bhar rahe ho aap kab tak ke liye, you will get this benefit till May, अभी से लेके फरवरी मार्च अप्रैल में 4 महीने में, 4 महीने तक आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है, डाउट सॉल्विंग इन एवरीवन, एंड बैच स्टार्ट्स फ्रॉम 8th of February इज द कमिंग मंडे, सो मेक श्योर कि अगर आपने ज्वाइन करना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, चेक आउट दैट लिंक, एंड फॉर अवेलिंग अ 20% डिस्काउंट फ्रॉम माई साइड यू हैव टू यूज दिस कूपन कोड VTCC।
ठीक है, वर्षा तिवारी क्रैश कोर्स, दिस आर द स्टेप्स। जब भी आप लिंक पे क्लिक करोगे ना, देखो ऐसा http://vdnt.in/jeecce, ये लिंक है, आपको दिख जाएगा। आपको ये कोर्स 10,000 में, बट आपने कूपन कोड अप्लाई किया, यू विल बी सेविंग ऑन 2,000 एंड विल गेट इट जस्ट फॉर 8,000, यू विल बी एनरोल्ड फॉर द कोर्स। ठीक है, सो दैट वॉज ऑल अबाउट द क्रैश कोर्स, यू कैन थिंक अबाउट इट सिंसियरली। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ द डे, स्टार्टिंग विद सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और मूड को लाइट करते हैं और फिर हम 4 मार्क्स 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में जाएंगे। ठीक है, आई एम सॉरी, बहुत बातें कर ली क्या, जस्ट अ सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आई एम फाइन नाउ। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। इफ डिटरमिनेंट ऑफ दिस प्लस 3 इज 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? बेसिकली आपको x की वैल्यू निकालनी है, एक डिटरमिनेंट दे रखा है। देखो इसी में आप डिटरमिनेंट सॉल्विंग को सीख लोगे, अगर नहीं आता है तो डिटरमिनेंट सॉल्विंग देख लो, एक्सपेंशन ऑफ 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट। नाउ यू कैन एक्सपेंड इट अलोंग रो 1, रो 2, रो 3 और कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। यूजुअली हम क्या करते हैं, इसको हम एक्सपैंड करते हैं अलॉन्ग, यूजुअली मतलब रो 1 के अलॉन्ग, बिकॉज वो सबसे ईजी होता है इसलिए। तो बच्चों जल्दी से तुम लोग मेरे को आंसर बता सकते हो, यू डोंट हैव टू वेट फॉर मी टू कंप्लीटली सॉल्व, यू हैव द ऑप्शन 3, 0, -1 और 1, है ना? तो कौन बताने वाला है आप लोगों में से आंसर? राज, श्रीलता, रोशनी, खुशी, साई चरण, तेजस्वर, सुनिधि, साई सिंह, मुकुल कुमार, आरती, केमिस्ट्री विद राघव, हु इज गोइंग टू गिव मी द आंसर नाउ? ओके, लेट्स एक्सपैंड इट अलोंग रो 1, एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1। सो रो 1 के अलोंग जब आप एक्सपैंड करते हो, फर्स्ट एलिमेंट इज 2, देन यू हाइड दैट रो एंड कॉलम, x इंटू 1 इज x, माइनस 9 इंटू x इज 9x, देन सेंट्रल टर्म में हमेशा माइनस साइन आएगा, माइनस 3 इंटू हाइड दैट रो एंड कॉलम x माइनस 4x, प्लस लास्ट टर्म इज 3, हाइडिंग रो एंड कॉलम 9x माइनस 4x इज इक्वल टू 0। Therefore, x minus 9x is minus 8 and 2's are minus 16x. x minus 4x is minus 3 and yahan pe plus 9x. 9 minus 4 is 5 plus 10x is equal. Arre, plus 3 bhi hai na bachcho? Ye dekho. Plus 3, this plus 3 goes to the other side and becomes minus 3. So, on the right side, we have minus 3 also. So minus 16 plus 9 gives me equal to 7, 7 minus 7 plus 10 is 3x equal to minus 3, that implies x is equal to minus 1, option number C people, yes, did you get it? Yes, Vivek Agrawal, Sri Lata, correct, C minus 1 is the right answer. Chalo, let's move ahead. And we'll solve this question now. If A is a square matrix of order 3 such that A square is 2A, then find the value of determinant A. अब यहाँ पे एक property भी use होने वाली है and you will learn that property. Make sure that you will, अगर आपने अपने formula book में नहीं लिखा है अभी के अभी लिखो, बहुत important property. 2 mark question people. Given क्या है? A square is equal to 2 times A. Now what we will do? We have to find the value of determinant A. So let's take determinant on both sides. Hai na? So A square is nothing but determinant A into determinant A is equal to 2A ka determinant. Now how many of you know that determinant of KA is equal to K raised to N into determinant A? That's a property. Determinant of K times A is K raised to N into determinant of A, where what is N? N is order. Yes, Sai. So, ye kitne order ka matrix hai? This is order 3. So, determinant A into determinant A is equal to 2 raised to 3 into determinant A.
हाँ जी बेटा जी, डेट शीट तो आ गई है यार। सो इट्स डिट ए -8 टाइम्स डिट ए इक्वल टू 0। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं ना, आई विल शो यू। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, डिट ए इक्वल टू 8 टाइम्स डिट ए, एक एक कैंसिल हो गया। आप बोलेंगे मैम आंसर है 8, बोलेंगे मैम आंसर है 8। क्या ये सही है? अगर आप ये करोगे तो आपको 2 नंबर नहीं, यू विल जस्ट गेट 1 मार्क आउट ऑफ 2। सो इफ यू वॉन्ट 2 मार्क्स, वॉट यू शुड डू, ये 8a को लेफ्ट में लेकर आओ, टेक डिटर्मिनेंट a कॉमन। सो यू हैव डिटर्मिनेंट a -8 इक्वल टू 0। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स इज 0, है ना, दिस इंटू दिस ब्रैकेट इज 0। इसका मतलब क्या, ये इंप्लाई क्या करता है? दिस इंप्लाइज ईदर योर डिटर्मिनेंट a इज 0 और योर डिटर्मिनेंट a -8 इज 0। इसका मतलब या तो आपका डिटर्मिनेंट ए 0 है या तो आपका डिटर्मिनेंट ए 8 है। तो दो वैल्यूज आते हैं बच्चों, दो वैल्यूज 2 मार्क्स, ठीक है, बिल्कुल सही। यस 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 श्रीलता, इट्स 0 और 8, परफेक्ट, वेरी गुड, लवली, ला अमेजिंग, ला लवली, ला क्लेरिस्ता। हाय प्रियांशी सातपुती, यू आर फ्रॉम क्लास 10th। ओ, ओके, यू आर लर्निंग डिटर्मिनेंट्स। कोई नहीं यार, डिटर्मिनेंट्स इज लाइक अ 10th स्टैंडर्ड टॉपिक ओनली, डू नॉट वरी। केमिस्ट्री विद रागव हमने डेट शीट पे काफी चर्चा कर लिया यार, वीडियो में देख लो। चलो अब आते 4 मार्क, हमने 1 मार्क किया, 2 मार्क किया, अब आते 4 मार्क वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए 1,3, बी 0,0 यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ योर डी पॉइंट इज के कॉमा 0 एंड सच दैट ट्राइंगल एबीडी स्क्वायर यूनिट। तो अभी ये क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, दो जगह फाइंड है, तो आपका 2 पार्ट्स में ये क्वेश्चन कंप्लीटली डिवाइडेड है। सो हाउ डू वी कंप्लीट या सिंप्लीफाई इट? सो लेट्स टेक अ लाइन विच इज से ए 1,3 एंड बी 0,0, एंड यू वॉन्ट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। कैसे किया जाए बच्चों, क्या लॉजिक अप्लाई करूं मैं, क्या आप सोच सकते हैं कुछ लॉजिक, कुछ सोल्यूशन आप बता सकते हैं मेरे को, हाउ डू वी डू दिस? यस, लेट्स हियर इट फ्रॉम यू पीपल। मैं डिटर्मिनेंट यूज करके इक्वेशन कैसे बताऊं यार, स्ट्रेट लाइंस पढ़ा है हमने, वी कैन यूज 2 पॉइंट फॉर्म एंड इजिली गेट द इक्वेशन। 2 पॉइंट है, फट से इक्वेशन मिल जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एम पता है यूजिंग 2 पॉइंट। ओ श्रीलता, यू आर ऑल्सो फ्रॉम क्लास 10, अमेजिंग, ओके। बट विदाउट नोइंग दैट स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट, हाउ विल आई फॉर्म द इक्वेशन? यस आई, एनी हिंट्स, हाउ कैन वी डू दिस? खुशी झा और एनी वन, हाउ कैन वी फाइंड यूजिंग डिटर्मिनेंट? सो लेट्स से आई एम टेकिंग अ पॉइंट पी समवेयर ऑन द लाइन विच इज एक्स कॉमा वाई, ठीक है, आई एम गिविंग यू हिंट। मैं क्या कर रही हूँ, एक पॉइंट पी लेते हैं इस लाइन ए बी पे, और जिसको बोलते हैं एक्स कॉमा वाई, टनंग टनंग, ठीक है, कविता है। सो वॉट हैपन्स, अब हमको पता है डिटर्मिनेंट होता क्या है, डिटर्मिनेंट होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। डिटर्मिनेंट क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेट मी राइट इट हियर, पता है कि नहीं पता है, 1/2 इज एरिया, ओके, हाँ जी, डिटर्मिनेंट इज लाइक एरिया ऑफ ट्राइंगल। बट नाउ इन दिस केस आई हैव 3 पॉइंट्स ए बी एंड पी, सो वॉट विल बी एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ए पी बी, वट विल बी एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ए पी बी? हाई निर्मय शेटे, आई एम फाइन बच्चा, आप कैसे हो? क्लास 10th, गुड यार, नेक्स्ट ईयर से यहीं पे आना है आपको। हाँ जी बेटा, 1/2, वॉट यूर सेइंग इज राइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट। आप जो बोल रहे हैं ना, बिल्कुल सही, एरिया इज 1/2 टाइम्स ऑफ व्हाटएवर इज द डिटर्मिनेंट। वट यू आर सेइंग इज राइट, आई एम आस्किंग यू मीनिंग, मतलब जब कोई आपको बोलता है कि यार डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, डिटर्मिनेंट मतलब आप वो 3 पॉइंट्स का एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, ये 3 पॉइंट्स मिलकर कितना एरिया बना रहे हैं। नाउ योर ए पी एंड बी लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो वट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इट इज फॉर्मिंग? इट इज फॉर्मिंग 0 एरिया, राइट?
एरिया दैट दिस थ्री लाइन इज फॉर्मिंग इज जीरो, इसका मतलब हाफ डिटर्मिनेंट इज गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो। यस राजा, और डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला हमने देखा है, इट्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, वाई वन वाई टू वाई थ्री एंड वन वन वन। ऑब्वियसली इट्स इन साइड अ मॉड्यूलस, राइट? दैट इक्वल टू हाफ, सब्स्टिट्यूट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, दैट इज वन एक्स एंड जीरो, थ्री वाई एंड जीरो, वन 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 इज इक्वल टू जीरो। अभी ये मॉड्यूलस का कुछ फर्क नहीं पड़ता बिकॉज राइट हैंड साइड इज जीरो, तो अदरवाइज तो हम प्लस माइनस जीरो डालते, बट जीरो पे क्या ही साइन लगाओगे। तो दिस टू कम्स ऑन द अदर साइड एंड बिकम्स जीरो, ये टू चला गया, मॉड हट गया। नाउ यू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट स्पेसिफिकली, सो इट्स वन इंटू वाई माइनस जीरो माइनस थ्री इंटू, इट्स इजी डिटर्मिनेंट टू सॉल्व, थ्री इंटू एक्स माइनस जीरो प्लस वन इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। So we get y minus 3x is equal to 0 or y is equal to 3x. This is the equation of line AP, AB. Y minus 3x is equal to 0 or y is equal to 3x. Hi Ravindra Sharma, very good evening beta. हम कर रहे हैं determinants, जल्दी से pen paper लेके बैठ जाओ। हमने बोला कि यार देखो area of triangle का concept लगा है। We knew that determinant can be used in calculating area of triangle. When three points are collinear, area of triangle is zero. So we use that concept and area of triangle zero equate करके हमें equation मिल गया। That is the first part which is done. Second part क्या है? Find the value of k if d is a point, एक point d है which is k comma zero, है ना? और area of triangle ABD is three. अब area of triangle ABD दे रखा है 3 यूनिट्स। आप मेरे को बताओ बच्चों जल्दी से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? क्विक क्विक, बी 0 0, दिस इज 1,3, लेट मी जस्ट चेक वंस अगेन। परफेक्ट, यूज द फॉर्मूला क्विकली एंड टेल मी व्हाट। ओ पीपल आर सेइंग के इज प्लस और माइनस 2 प्लस और माइनस 6, बड़े बड़े आंसर आ रहे हैं यार। ये तो ऑब्वियसली हाफ को लेना है, कंसिडर करना है, हाफ को बाहर लो या अंदर लो क्या ही फर्क पड़ता है यार। हाफ इंटू डिटर्मिनेंट 1 0 के 3 0 0 1 1 1 is equal to 3, but then this is inside a modulus. So when I remove the modulus, it is half of ये determinant को solve करेंगे 1 into 0 minus 0 minus 3 into 0 minus k plus 1 into 0 minus 0 is equal to plus or minus 3. Simplifying it further, 2 comes to the right hand side. We have 1 minus minus plus 3k is equal to plus or minus 6. So k is equal to plus or minus 2. K is equal to plus or minus 2. Am I correct? Shrilata bhi yahi keh rahi hai, but baaki bachcho ko aaya ki nahi? Dekh lo, maine modulus nikala, so plus minus sign. Once you simplify the best kya hota bachcho malum hai? Expanding along best. Expanding along column 2. बट एज आई सेड, हम आदत से मजबूर है, हम रो वन के अलॉन्ग बाय डिफॉल्ट एक्सपैंड कर देते हैं। सो वी आर यूज्ड टू डूइंग एक्सपेंशन अलॉन्ग रो वन, बट एनीवेज यू कैन एक्सपैंड अलॉन्ग कॉलम टू बिकॉज टू जीरोज आर देयर इन कॉलम टू, सो इट्स वेरी सिंपल। बट एनीवेज दैट्स द वैल्यू ऑफ के, यू कैन चेक इट आउट योर सेल्फ पीपल, राइट? एंड वन लास्ट क्वेश्चन वी विल डू, इसके बाद एक और क्वेश्चन है बाय द वे, बट I would prefer you to do that question because it's बहुत lengthy है यार, बहुत lengthy है, मतलब पूरा एक घंटा निकल जाएगा करते करते। ये question करते हैं, ये question मेरे ख्याल से last session में हमने लिया था, matrix में मैंने ये question डाला था and we solved it also correctly, but जब solution देखा तो solution उन्होंने गलत solve किया था, तो फिर हम confused हो गए कि यार solution गलत है कि अपना गलत है। फिर मैंने आपसे कहा कि you try it on yourself. I don't know how many of you all did it, but ये question अभी करेंगे, last वाला you'll do it, okay? If A is given, find A inverse, hence solve the system of equations. चलो quickly we have to find the value of A inverse. So सबसे पहले A inverse के लिए determinant A निकालिए. Why? Because for finding the inverse, the primary condition is it should be a non-singular matrix. सबको पता है कि नहीं, inverse exists only if it's non-singular. Inverse exists if it is non-singular matrix. और non-singular का मतलब सभी लोग जानते हैं,
डिटर्मिनेंट शुड बी नॉन जीरो, तभी ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसका डिटर्मिनेंट क्विकली कैलकुलेट करते हैं, 1 into -1 into 1 -1 -2 -2 into -2 -0 and then 0. What are we getting? -1 -2 as -3 and -4 which is 1. ठीक है, डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। दैट्स गोइंग टू बी योर 1 mark पीपल। यहाँ पे आपको मिले 1 mark, 5 mark का क्वेश्चन है, 1 mark यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट, इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट फाइंड करना है। अब 1 2 0, मेरे को ना हमेशा ये लिखना पड़ता है नेक्स्ट पेज पे, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। -2 -1 -2 एंड वी हैव 0 -1 1। मैंने कर सही तो कॉपी किया ना, कुछ गलती नहीं की है। ठीक है, ये आपका ए है। लेट्स फाइंड द क्विकली कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते CIJ और फिर उसको हम ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकाल देंगे, विच इज CIJ का ट्रांसपोज यहाँ पे। फिर इससे हमको ए इनवर्स मिल जाएगा, विच इज 1 upon डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे ए इनवर्स भी मिल जाएगा। फिर एक बार ही ए इनवर्स का काम खत्म हो गया, मैं देखो स्केलेटन बता रही हूँ, है ना, ऐसे अच्छा लगता है, भर दो। फिर अपने को 3 equations भी दे रखा है इन्होंने। लेट मी राइट x-2y = 10, ये एक इक्वेशन है। नेक्स्ट इज 2x-y - z = 8 एंड -2y + z = 7। ठीक है, ये 3 equations है। तो अभी तुम लोग मेरे को हेल्प करो यार कोफैक्टर के करने में। तुम लोगों ने किया होगा ना, बाय द टाइम आई वाज राइटिंग दिस यू माइट हैव फाउंड द कोफैक्टर मैट्रिक्स। सो नाउ आई एम डूइंग इट, प्लीज हेल्प मी आउट कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं। आई एम डूइंग इट डायरेक्टली। सो फर्स्ट प्लेस -1 into 1 -1 -2 is -3, फर्स्ट प्लेस नो चेंज इन साइन। मेरे को ना ये चीज पता है बहुत अच्छे से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये चीज का हेल्प करूंगी मैं। फर्स्ट प्लेस पे नो चेंज इन साइन, दिस प्लेस आई विल चेंज द साइन, दिस प्लेस आई विल नॉट चेंज। सो कीपिंग दिस साइन कन्वेंशन इज वेरी हेल्पफुल गाइस। एनीवेज लेट्स कम टू दिस पोजीशन, सो इट्स -2 एंड आई एम गोइंग टू चेंज द साइन। थर्ड पोजीशन इट्स 2 एंड आई एम नॉट गोइंग टू चेंज द साइन। नेक्स्ट ये वाली पोजीशन, हाइड दैट रो एंड कॉलम, 2 ones are 2 एंड चेंज द साइन। मिडल रो मिडल कॉलम हाइडिंग, 1 ones are 1 एंड डू नॉट चेंज द साइन। लास्ट वाला एलिमेंट ऑफ द मिडल रो, 1 into -1 -1 एंड चेंज द साइन। एम आई गोइंग करेक्ट पीपल? ये दोनों हाइड किया, 2 into -2 -4 एंड चेंज द साइन। देन मिडल वाला, ठीक है, 1 into -2 is -2 एंड चेंज द साइन। एंड लास्ट वाला 1 into -1 is -1 और ये कितना हो जाएगा, +4 -1 + 4 is 3 एंड नो चेंज इन द साइन। एम आई राइट? यू कैन एटलीस्ट टेल मी मैम आप करेक्ट हो कि नहीं हो, चेक कर लीजिए। 0 है क्या इसमें? हाँ है तो सही। नो बेटा युक्त हार्ड वीड तो कुछ नहीं यार। पहले मेरे को ये बताओ कोफैक्टर मैट्रिक्स सही है कि नहीं। द अबाव इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैट्रिक्स फॉर्म एज। मैं आगे कर रही हूँ, मेरे को आपसे वैलिडेशन चाहिए सबसे पहले। मैं आगे नहीं जाऊंगी जब तक आप बता नहीं रहे हो। AX = B और rather let me just write it in matrix format। चेक कर लू क्या मैं आगे जाके? लंबा तो है बेटा। -3 -2 -4 = 2 1 2 2 1 3, बिल्कुल सही, परफेक्ट आ गए हम। तो अब चलो एडजॉइंट निकालते हैं इसका ट्रांसपोज करके। -3 2 2 -2 1 1 -4 2 3, ठीक है, देन इट इज करेक्ट। अच्छा ठीक है, ए इनवर्स क्या होगा, 1 upon डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ए वॉज ऑलरेडी 1, सो इट इज सेम, -3 -2 -4 2 1 2 एंड 2 1 3।
Now the above equations can be expressed in matrix form how? Dekho, coefficient matrix, so coefficient of x 1, coefficient of y minus 2 and coefficient of z is 0. So put 0. Second equation, x ka coefficient 2, minus 1 and minus 1. Third mein, there is no x term. So people, make sure that you're putting a minus sign. What students do is they forget putting a minus sign yahan pe. Make sure you're putting a minus, zero bhul jate bachche. But because x is missing, yaar. Then minus 2, 1. X, y, z is equal to constants 10, 8, 7. Now look at this first coefficient matrix. What, isn't it equal to A transpose? Isn't it equal to A transpose? Yeh dekho, 1, minus 2, 0. 2, minus 1, minus 1. And 0, minus 2, 1. Oh ho, this is A transpose. X is equal to B. मैम इसमें कैसे एमसीक्यू आएगा जेई में आ रहे क्यों नहीं आएगा यार देखो बताती हूँ एंड में बताती हूँ ए ट्रांसपोज इनटू एक्स इज इक्वल टू बी दैट इंप्लाइज व्हाट एक्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज द इनवर्स इनटू बी नाउ यूज अ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी क्या है बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू बी मतलब ए ट्रांसपोज द इनवर्स इज सेम एज ए इनवर्स द ट्रांसपोज ठीक है ए इनवर्स यू ऑलरेडी हैव सो मेक इट्स ट्रांसपोज I'm writing the transpose of A inverse that we already have, people. What is the transpose of A inverse? A inverse yahan pe uska transpose is minus 3, minus 2, minus 4, 2, 1, 2, 2, 1, 3. And B is people's, what is the matrix B? 10, 8, 7. Can we simplify this? Yani ki multiply karna hai. This is your X. You have to multiply and get the answer, people. मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर मैं यहीं पे थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ आई एम इरेजिंग द अपर पार्ट सो दैट वी गेट सम स्पेस टू कंटिन्यू विद दिस नॉट टेकिंग अ न्यू पेज आई होप यू कैन गो बैक एंड एनी टाइम चेक जो भी मैंने इरेज किया उड़ तो नहीं गया वो तो है ही सेव्ड चलो लेट्स गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड सो योर एक्स इज बेसिकली एक्स वाई जेड इज इक्वल टू व्हेन यू मल्टीप्लाई ऑन द राइट हैंड साइड It's too simple, yes. Minus 3 into 10, minus 30. Plus 2 8s are 16. Plus 7 2s are 14. Then minus 2 into 10, minus 20. Plus 8, plus 7. And minus 4 10s are minus 40. Plus 8 2s are 16. Plus 21. So what is the value of x, y, z that my people are getting? 0, minus 5 and minus 3. Yes, minus 30, 16, 40 is 0. Minus 20 plus 8 is minus 12. Plus 7 is... Minus 5, perfect. And minus 40 plus, this is 20, 30, 37. So minus 3. Oh, wow. Yes, your x is 0, y is minus 5 and z is minus 3. And that's the answer. Ye humne incomplete chhod diya tha matrix mein, yahan pe complete kar diya isko. Theek hai? Now, Yukta was asking ki ma'am, option kaise banenge? Bachcho, yaar, clearly un log option mein de denge. Ek bar 0, minus 5, minus 3. Ek bar 0, 5, 3. ऐसे चार ऑप्शन एक्स वाई जेड के बना के आपको बना देंगे क्वेश्चन इसमें तो क्या ही है देन यू विल हैव टू सॉल्व दिस सो लॉन्ग मेथड बट एक्चुअली क्या होता है मालूम है आपने देखा होगा मैंने ये डिटर्मिनेंट है ये सब कुछ निकाला फिर मैंने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला फिर एडजॉइंट एक्चुअली आप डायरेक्टली इनवर्स लिखने का मतलब जेई में कोफैक्टर एडजॉइंट ये सब लिखते मत जाओ डिटर्मिनेंट निकालो फटाफट मन में तुरंत उसका इनवर्स लिखो और द अबाव इक्वेशन दिस स्टेटमेंट्स आर नॉट नीडेड राइट यहाँ पे तो हम फुर्सत में कर रहे हैं सारे स्टेटमेंट्स ले लेकर क्योंकि हमको क्या करना है बच्चों ये पूरे 5 मार्क को ग्रैब करना है यार इजिली थोड़ी देंगे 1 मार्क यहाँ पे मिला 1 मार्क आपको एडजॉइन निकालने पे मिलेगा इनवर्स पे 1 मार्क मिलेगा 3 मार्क है ना फिर यहाँ पे ये इक्वेशन बनाने पे 4 मार्क और फाइनल आंसर पे 5वां मार्क ठीक है तो इस तरीके से आपको 5 मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में और अब आप अगर इसको लॉन्ग बोल रहे हो तो इसको क्या बोलोगे 6 मार्क वाले क्वेश्चन को This is your last question, 6 mark. If A is this, then show that A cube minus 4 times A square minus 3 times A plus 11 times I is 0. So, ye to show that wala part hai. Ye humse na ho paye bhai. Aaj Indian Army boy, hello. Aapko kya karna hai? A diya. You find A square, which is A into A. Basically, two matrix ka multiplication. Fir aap A square into A karke A cube nikaloge. To A square into A karoge. Fir se do matrix multiply karke. फिर आप उसको ये सब कुछ इस सब इक्वेशन में LHS में सब्स्टिट्यूट करोगे और फिर सॉल्व करोगे आप और आपको आंसर जीरो आएगा दैट इज योर RHS तो वो हुआ फर्स्ट पार्ट जिसके लिए है
थ्री मार्क्स एंड देन आपका सेकेंड पार्ट है ए इनवर्स फाइंड करना. बच्चों लेंदी है ना यार, फर्स्ट पार्ट इसके लिए 3 मार्क्स है और सेकेंड पार्ट ये है ए इनवर्स, इसके लिए भी 3 मार्क्स है. तो अब सेकेंड पार्ट ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, वी कैन एक्चुअली इंट्रोड्यूस ए इनवर्स इन दिस इक्वेशन. मैं सब कुछ क्लियर कर रही हूँ स्लाइड पे, इरेज ऑल द इंक एंड लेट्स फाइंड हाउ कैन वी गेट ए इनवर्स. सो आई एम प्री मल्टीप्लाइंग, क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स. या तो प्री करो या तो पोस्ट करो, कुछ भी करो बट एक ही करो, प्री करो या पोस्ट करो. इफ आई एम डूइंग प्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए इनवर्स, सो वॉट विल आई गेट हियर, मतलब पहले मैंने, बिकॉज मैट्रिक्स यार इट्स नॉट कमिटेटिव राइट, ए इनवर्स इंटू जीरो. सो देयरफॉर ए क्यूब और ए इनवर्स एक उसमें से चला गया है ना, वी नो दिस ए इनवर्स इंटू ए इज आई एंड वी नो आई इंटू एनी मैट्रिक्स इज गोइंग टू बी I into any, हाँ तुम बताओ यार, सब मैं ही बता रही हूँ फटफट में. I into any matrix क्या होता है, A into A inverse is I, चलो ये मैंने बता दिया. I into any matrix क्या होता है, I is equivalent to number one, I is equivalent to number one. चलो जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, चुपचाप नहीं बैठना है, चालू रहना चाहिए. Anybody? I into A. I is equivalent to 1. So 1 into any number is the same number. वैसे ही I into A, A ही होने वाला है. I into A inverse will be A inverse itself. It won't change, right? वैसे A inverse into A, I into A square minus 4I into A minus 3I plus 11A inverse is equal to 0. देखो बच्चों अपने को A inverse ढूंढना है, right? Yes, श्रीलता. अपने को a इनवर्स ढूंढना है. सो i into a square is going to be a square minus 4a minus 3i plus 11 into a inverse is equal to 0. So from here we can get 11 times a inverse is equal to shifting everything 3i plus 4a minus a square. अब ये 11 से डिवाइड कर दोगे आप राइट साइड में, सो यू विल गेट योर a इनवर्स इन योर हैंड. इट्स नथिंग बट दिस अपॉन 11 a, ठीक है, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3i. बेटा सिर्फ 3 नहीं, 3 और 3i में डिफरेंस है, ओनली 3 इज 3, 3 इंटू आई इज दिस 3000003003, ठीक है. तो ये 3i है आपका. तो फ्रॉम योर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a इनवर्स. एक्चुअली i आपको पता है, a आपको क्वेश्चन में दिया है, a स्क्वायर यू विल बी फाइंडिंग ऑलरेडी, ए स्क्वायर तो आप फाइंड करने ही वाले हो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने के लिए. सो आफ्टर यू फाइंड दिस, आफ्टर यू सब्सटीट्यूट एड सब्ट्रैक्ट, यू विल गेट योर ए इनवर्स एंड लेट मी शो यू डायरेक्टली द आंसर. देखो ए स्क्वायर निकाला, फिर ए क्यूब निकाला बड़े इज्जत से, उसको सबको इक्वेशन में डाल दिया और इसको सिंप्लीफाई करके आंसर जीरो आ गया, ठीक है, दैट्स योर आर एच एस. तो फर्स्ट वाला पार्ट तो प्रूव हो गया, जीरो लेकर आना था, हो गया. अभी सेकेंड वाला, ये वाला हमने मसाला कर दिया है ऑलरेडी. सो ए इनवर्स इज 11 टाइम्स ए इनवर्स इज दिस, ए इनवर्स इज कमिंग आउट टू दिस एंड यू गेट योर 3 मार्क्स ओवर हियर. सो टोटल 6 मार्क्स एंड लेंथी क्वेश्चन, ठीक है. सो दैट्स हाउ वी फिनिश ऑफ विद द डिटर्मिनेंट्स का. जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड इन योर बोर्ड एग्जाम्स, इसको हमने कवर करने की कोशिश की. वी हैव नॉट कवर्ड द ऑब्जेक्टिव्स, वी हैव कवर्ड द हायर लेवल का क्वेश्चन, यानी 3, 4, 5 मार्क्स 6 मार्क्स के क्वेश्चन. लेंदी होते हैं बच्चों, बहुत सारा सप्लीमेंट कवर करते हैं बट थोड़े से रिस्की होते हैं. इफ योर एल्जेब्रा इज नॉट वेरी गुड, इफ योर मल्टीप्लीकेशन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द प्लस एंड माइनस साइन वेरी केयरफुली. अगर एक प्लस का माइनस कुछ हो गया, प्लस का माइनस तो ऐसी की तैसी, वैसी की वैसी हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है. सो बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये मेरा टिप होगा आपको. व्हाट इज टिप फॉर दिस चैप्टर, मेक श्योर कि एक भी प्लस का माइनस या माइनस का प्लस नहीं हो रहा है, वरना आपका 6 मार्क्स हो सकता है, 3 मार्क्स या कुछ भी. आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि आपने क्या किया, 5 में से अटेम्प्ट यानी 4 बोला था, ठीक है, आपने 4 अटेम्प्ट किया और आपको सेटिस्फैक्शन है कि यार मेरे को तो मिल रहे हैं, मतलब पूरे पूरे के पूरे मार्क्स मिल रहे हैं. बट होता ही हुआ है कि आपने प्लस और माइनस में मिस्टेक किया होता है,
और आपको फिफ्थ वाला क्वेश्चन आ रहा होता है, मतलब यू नो ऑल फाइव बट यू अटेम्प्ट ओनली फोर क्योंकि टाइम कम होता है ऑब्वियसली, आपको फिफ्थ आके भी आप छोड़ देते हो थिंकिंग कि आपने राइट किया है, और बाद में पता चलता है कि यार आपने तो मिस्टेक कर दी, फिर वो जो गिल्ट होता है बहुत होता है। मतलब जनरली बच्चे मेरे को एग्जाम के बाद यही आके बोलते हैं कि यार पांच क्वेश्चन मैंने तो चार किया, मुझे लगा राइट होगा बट प्लस माइनस की वजह से मार्क्स चले गए। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि यार पांच क्वेश्चन है तो आपको अगर चार बहुत कॉन्फिडेंटली आता है तो वो चार करो और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को अवॉइड करो अगर हो सके तो। बट अगर हाँ पांच में से और दूसरे में भी डाउट है तो फिर जरूर करो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के क्वेश्चन, बिकॉज इसका वेटेज है अच्छा खासा, तो काफी सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नाउ हियर इज अ होमवर्क क्वेश्चन। देयर आर टू वैल्यूज ऑफ ए फॉर व्हिच दिस डिटरमिनेंट इज 86, व्हाट विल बी द सम ऑफ दिस नंबर्स, विल इट बी 4, 5, माइनस 4 और 9? अरे वाह, इतने जल्दी फाइंड कर दिया, गूगल वूगल तो नहीं कर रहे हो श्रीलता, इतने जल्दी, जबरदस्त यार, मजा आ गया। यू आर इन 10th स्टैंडर्ड आल्सो, लवली लवली बेटा, बस ऐसे ही करते रहो, बहुत बहुत अच्छा जाओगे, बहुत आगे जाओगे। ठीक है, सो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ ए, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना बेटा। श्रीलता प्लीज शो इट इन द कमेंट सेक्शन, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, सो नेक्स्ट टाइम आपका नाम डिस्प्ले होगा, नेक्स्ट टाइम यानी नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा इसका, एंड with a heart from my side, so do that, and also there is a puzzle, what never asks questions but is always answered, what am I? For both this you have to answer in the comment section, and at the same time do not forget kal ka session, parso ka session, dono hi mera 4 baje wala, aap sabhi log invited ho meri taraf se, make sure you are coming for the session and enjoying and having lots of fun together, theek hai? Okay people, any other doubts, any other queries, see we did just 5 questions today and 6th question ko discuss kiya and it's 1 hour almost almost 1 ghante lag gaye apne ko, to hum log kafi aaram se chal rahe bachcho, aur aise sabhi ko ek sath leke chalna hai, aisa nahi hai ki sirf mere ko kuch bachcho ko target karna hai, matlab kuch ekdam smart hai unko pakdo baki sab ko chhod do, aisa hona chahiye ki jo bhi ye video dekhe usko sab kuch samajh mein aaye, hai na, waisa hona chahiye kabhi bhi, yes no doubts, lovely, तो यार मिलते हैं फिर next session, कल ही मिलेंगे 4 बजे, bye bye everyone, take care people, see you, good evening, enjoy, keep smiling, keep learning and keep spreading love. Hi Kashish, it's not time to say hello, it's time to say bye bye. चलिए bye bye. बंद कर दो भाई, कहाँ हो तुम।